के बारे में जानेंगे कि अरेंज ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ये तो अरेंज ग्रुप में ये ऑप्शन बंद पड़े हुए हैं, जैसे पोजीशन का है, रैप, टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं। जैसे ये देखो ग्रुप का है, ये रोटेट का है, ये बंद पड़े हुए हैं। तो इनको समझने के लिए पहले हमें यहाँ पे कोई भी शेप उठानी पड़ेगी। जैसे यहाँ से कोई भी शेप हमने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर रखी, ये सपोज करो हमने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी शेप हमने यहाँ से उठाई, ये इनमें से एक शेप हमने यहाँ से उठाई, सपोज करो ये शेप हमने यहाँ पे सेलेक्ट की और अपने टेक्स्ट पे यहाँ पे ले ली, तो ये शेप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये शेप आते ही हमारे सामने ये देखो लेआउट टैब का, अरेंज ग्रुप के पोजीशन टैब जो है और बाकी भी ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारी ये कमांड है ये है पोजीशन की। तो यहाँ पे पहले ये शेप यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये इसके बाद ये शेप पे हमने ये लाए, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने ये लेआउट टैब पे क्लिक किया, पोजीशन पे गए। अब ये पोजीशन जो है ये फर्स्ट में क्लिक किया, ये देखो लाइन विद टेक्स्ट, इन लाइन विद टेक्स्ट ये आ जाएगा, ये देखो इन लाइन विद टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम ये पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये ऐसा आ जाएगा। इसके बाद सेकंड है ये देखो पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, ये देखो ये जो पोजीशन है हमारी टॉप में होगी और लेफ्ट साइड में होगी और स्क्वायर में होगी, ये देखो टॉप में, लेफ्ट साइड में और स्क्वायर में आएगी। इसी प्रकार अगला ऑप्शन है हमारे पास ये जो है टॉप पोजीशन है हमारी और साथ में सेंटर विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, ये देखो सेंटर में आ गई है और ये स्क्वायर शेप में आएगी। तो इस प्रकार अगला जो ऑप्शन है हमारे पास ये है हमारा ये राइट साइड में आएगी और स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग में आएगी, ये देखो ये जो हमारी शेप है ये स्क्वायर वाली है और ये हमारी राइट साइड में आएगी। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। सेकंड हमारे पास ये देखो मिडल, ये मिडल में आएगी, ये पोजीशन इन मिडल लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, ये देखो ये मिडल में आएगी, ये जो है ये पेज के मिडल में आएगी ये। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास सेंटर में, ये देखो मिडल के पोजीशन इन दी मिडल सेंटर विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, ये देखो सेंटर में आएगी ये शेप जो है हमारी सेंटर में आ जाएगी। अगला ऑप्शन है हमारे पास ये राइट साइड में, मिडल के राइट साइड में ये आएगी, ये देखो स्क्वायर जो हमारी शेप है ये कहाँ पे आएगी, ये पेज के मिडल में राइट साइड में। तो ये अगला ऑप्शन है हमारे पास, जैसे ये नीचे पोजीशन इन बॉटम लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, ये देखो ये बॉटम में आएगी ये लेफ्ट साइड में और ये हमारा स्क्वायर पोजीशन में आएगी। अगर ये यही हमने सेंटर में करना है बॉटम में तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो सेंटर में होगी। अगर यही हमने बॉटम में करना है ये और ये राइट साइड करना है ये, तो यही हमारी जो पोजीशन है ये बॉटम राइट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग इस पोजीशन में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर में करते हैं, ये टॉप के सेंटर में करते हैं, ये देखो टॉप के सेंटर में आ गई ये पोजीशन। तो इस प्रकार हम इसको पोजीशन कर सकते हैं, ये चाहे लेफ्ट साइड करना है, चाहे राइट साइड करना है, चाहे मिडल में करना है, चाहे बॉटम में करना है ये। तो इस प्रकार हम इसको अपने हिसाब से, ये देखो जैसे जैसे हम आगे पीछे ले रहे हैं ये टेक्स्ट अपने हिसाब से यहाँ पे सेट हो रही है। तो इस तरह से हम पोजीशन कर सकते हैं अपनी शेप, जो भी हमने यहाँ पे शेप ली हुई है उसको पोजीशन कर सकते हैं। अगला है रैप टेक्स्ट, ये ऑप्शन हमारे पास इन लाइन विद टेक्स्ट, ये देखो इन लाइन विद टेक्स्ट ये ऑप्शन है ये। अगला हमारा
स्क्वायर का है ये देखो स्क्वायर शेप में आएगा ये देखो स्क्वायर शेप में ये रैप हो जाएगी ये। अगली जो है टाइट, ये जितना भी है ये देखो टैक्स जितना भी है ये टाइट यहाँ पे रैप हो जाएगा ये। अगला जो है टॉप एंड बॉटम, ये देखो टॉप एंड बॉटम इसमें करेंगे तो ये टॉप एंड बॉटम में आ जाएगा ये टैक्स रैप होके। इसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया ये बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट के ये पीछे है। अगर हम इसी को ऑप्शन को लेते हैं ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखो तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखो टेक्स्ट जो है इसके पीछे चला जाएगा और ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रंट में आ जाएगी। अगर इसी को हमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसी को हमने पीछे लाना है टेक्स्ट के तो हम क्या करेंगे रैप टेक्स्ट में बिहाइंड द टेक्स्ट। ये देखो ये जो टेक्स्ट है हमारा ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा टेक्स्ट के। तो ये हमारे ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा एडिट रैप पॉइंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक किया तो अपने हिसाब से यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं ये। सपोज करो यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे करेंगे ये जो टेक्स्ट है अपने हिसाब से रैप हो जाएगा। ये देखो अपने हिसाब से अगर हमें अरेंज करना है ये तो अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं ये टेक्स्ट रैप हो रहा है ये देखो। तो इस प्रकार हम इसको अपने हिसाब से भी अरेंज कर। जो हमारे पास ऑप्शन है ये है मूव विद टेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया ये देखो मूव कर सकते हो आप अपने ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास फिक्स पोजीशन ऑन पेज, ये देखो अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने कुछ भी ऐड किया या डिलीट किया तो इसकी जो पोजीशन है वो सेम रहेगी ये ऐसे रहेगी। जैसे ये देखो हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया ये तो इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी। या यहाँ से हमने कुछ डिलीट किया, ये देखो हमने यहाँ से डिलीट किया तो इसकी पोजीशन जो है ये सेम रहेगी। इसके बाद अगर हम टॉप से डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं या लेफ्ट साइड से यहाँ से डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, या यहाँ से टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं राइट साइड से, या बॉटम से टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम अगले ऑप्शन पे जाएंगे रैप टेक्स्ट। यहाँ पे मोर लेआउट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉप से अगर हमने इसको डिस्टेंस को बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो हमने यहाँ पे डिस्टेंस सपोज करो 1 रखा, ओके किया तो ये देखो ये जो डिस्टेंस है टेक्स्ट और इसके बीच में ये बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इसको अंडू किया हमने, लेफ्ट साइड से डिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम ये भी कर सकते हैं ये देखो लेफ्ट साइड से ये तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम इसको बढ़ाएंगे तो करो यहाँ पे हमने 1 रखा ये 1 किया ओके किया तो ये देखो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जो है लेफ्ट साइड से ये बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ पे राइट साइड से ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाना है तो फिर हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम राइट साइड से ये देखो यहाँ से हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे सपोज करो यहाँ पे हमने 1 रखा ओके किया तो ये देखो ऑब्जेक्ट के बीच में और टेक्स्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार रैप टेक्स्ट में अलग अलग ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन हमारे पास, इसको पहले अंडू करते हैं ये सारा हमने ये अंडू किया ये देखो जो भी हमने यहाँ पे बढ़ाया था ये अंडू किया ये। अंडू करने के बाद अगला जो है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड
वैगमोर। इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पे शेप लेंगे। यहाँ पे हम दो या तीन या चार शेप यहाँ पे लेंगे। स्क्रॉल करो, यहाँ पे हम इंसर्ट पे गए, एक शेप यहाँ पे और हमने यहाँ पे इंसर्ट की। स्क्रॉल करो, ये शेप हमने यहाँ पे इंसर्ट की, ये एक शेप आ गई है। एक हमने और शेप यहाँ पे इंसर्ट की। स्क्रॉल करो, यहाँ पे एक और शेप हम इंसर्ट करते हैं, ये जैसे ये शेप हमने यहाँ पे इंसर्ट की। तो ये तीन शेपें हमने यहाँ पे इंसर्ट की, हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो तीन ऑब्जेक्ट, इनको पहले हम ये कलर में करते हैं, ये इसको कलर हम देते हैं, ये किसी और कलर में करते हैं, ये उस करो, ये कलर लिया, इसको किसी और कलर में करते हैं, ये इस कलर में किया। तो ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, लेआउट टैब पे गए, तो अगला है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे ये है, यहाँ ये जो बीच वाली ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो इस शेप के ऊपर आ जाएगा। अब एक बार और हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये आ जाएगा। अब ये जो सेंटर वाली है ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हमने इस ऑब्जेक्ट के पीछे और इस ऑब्जेक्ट के पीछे ले जाना है। तो हम सेकंड ऑप्शन, ये हमारा है सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और सेंड बैकवर्ड। ये देखो इसके पीछे चला गया, ये जो सेंटर वाला ऑब्जेक्ट था ये इसके पीछे चला गया। फिर हम यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, तो ये देखो ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, ये सेंटर वाला जो भी ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट में ला सकते हैं या बैक में कर सकते हैं। तो अगला ये ब्रिंग फ्रंट, ये देखो फ्रंट में आ जाएगा ये, या यहाँ पे ब्रिंग फ्रंट किया तो ये फ्रंट में आ गया। अब क्या करना है, ब्रिंग बैक, तो ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट के ये पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने ऑब्जेक्ट को फ्रंट में कर सकते हैं या बैक में कर सकते हैं। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये पहले हम इसको यूज़ करते हैं। ये सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो है टेक्स्ट के पीछे चला जाए, ये जो जितना लिखा हुआ है यहाँ पे इसके पीछे चला जाए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड में, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये देखो ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। अगर यही टेक्स्ट हमने पीछे ले जाना है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाना है ये, और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखो क्लिक किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सामने आ जाएगा और टेक्स्ट जो है इसके पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार हम ये फ्रंट में या बैक में कर सकते हैं टेक्स्ट को और अपने ऑब्जेक्ट को। अगला है हमारे पास ऑप्शन सिलेक्शन पेन, यहाँ पे क्लिक किया तो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिए हुए हैं वो ऑब्जेक्ट, जैसे ये देखो स्माइली का ये, तो ये आ गया, ये ऑब्जेक्ट है ये। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे सेकंड पे क्लिक करेंगे ये अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये थर्ड ऑब्जेक्ट शो करेगा कि ये आपका थर्ड ऑब्जेक्ट है ये। अगर हम चाहते हैं कि ये स्माइली का ये हमने यहाँ पे हाइड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये हाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने ये दूसरा ऑब्जेक्ट हाइड करना है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखो हाइड हो जाएगा। और तीसरे को भी अगर हमने हाइड करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा।
अगर हम चाहते हैं कि ये सभी शो हो, सभी आ जाएं हमारे सामने, तो हम शो ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सभी आ जाएंगे। अगर सभी हमने हटाने हैं तो हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सभी चले जाएंगे। तो शो ऑल यहाँ पे क्लिक किया, ये सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अलाइन कमांड को जानेंगे। तो अलाइन कमांड को जानने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली रखेंगे। ये देखो यहाँ पे रखा हमने, ये ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रखा, ये हमने यहाँ पे वर्टिकली ऑब्जेक्ट को रखा। ये इसके बाद यहाँ पे हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे। तो तीनों को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये सेकंड को सिलेक्ट किया और ये थर्ड, ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। इन तीनों को अब अलाइन करने के लिए यहाँ पे देखो, ये अलाइन लेफ्ट, ये देखो ये जो तीन ऑब्जेक्ट हैं ये लेफ्ट साइड में अलाइन होंगे। इसके बाद अगर हमने इनको अलाइन सेंटर, सेंटर में करना है ये, तो ये देखो ये तीनों ऑब्जेक्ट सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद अगर हमने अलाइन राइट में करना है तो ये अलाइन राइट हो जाएगी। इसके बाद अगला है हमारे पास ये अलाइन टॉप, मिडल, बॉटम। तो ये अगर करना चाहते हैं हम, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ये देखो ये हमारे पास वर्टिकली है। अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो तीनों में ये जो डिस्टेंस है बीच में ये बराबर रहेगा। अगर यही हमने हॉरिजेंटली करना है ये, तो इसके लिए हम इनको हॉरिजेंटली रखेंगे। जैसे ये देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हमने, ये सेकेंड यहाँ पे रखा ये और थर्ड को यहाँ पे रखा ये। रखने के बाद अलाइन ये तीनों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये शिफ्ट की प्रेस की और ये तीनों को सिलेक्ट किया। अब तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रही है, तो इसके लिए हम अलाइन हॉरिजेंटली, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो हॉरिजेंटली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इन तीनों ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अलाइन यूज़ करते हैं ये यहाँ पे। इसके बाद आगे हमारे और भी ऑप्शन है, ये इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमारा अगला है ग्रुप। ग्रुप ऑप्शन के लिए अगर ग्रुपिंग करनी है, ये हम चाहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको उठा के यहाँ पे ले आए, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, या दूसरा भी हमने उठाना है तो ये दूसरा आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं ये एक साथ नीचे आ जाए, जैसे हम एक को उठाएं और तीनों एक साथ ये नीचे आ जाए। तो तीनों को एक साथ उठाने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे। तो अगर हमने इनका ग्रुप बना लिया, तो हम एक ऑब्जेक्ट जब हम उठाएंगे तो ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे या ऊपर आ जाएंगे। जैसे हमने इनकी ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ग्रुप कमांड यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, तो इसको ओपन करने के लिए हमें ये तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हमने शिफ्ट की प्रेस की, ये दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये देखो ग्रुप कमांड ओपन हो गई, ये तीसरा ऑब्जेक्ट ओपन किया। तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, ये तीनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं ये सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे,
ग्रुप कमांड पे जाएंगे और ग्रुप कर देंगे यहाँ पे, ये देखो ग्रुप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो ये अब क्या है, ये इन तीन ऑब्जेक्ट का ये ग्रुप बन गए। अब हम ये एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ये तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक साथ ऊपर या नीचे चले जाएंगे। ये देखो हमने उठाए, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये एक साथ आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं ये। तो इस प्रकार हम इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर हमने इनकी ग्रुपिंग नहीं की तो एक ही ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये हमने एक ही ऑब्जेक्ट नीचे लाना है, बाकी दो ऑब्जेक्ट नीचे लाने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्रुप कमांड पे जाना है ये और अनग्रुप करना है ये। ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास अनग्रुप। अनग्रुप पे क्लिक किया तो अब क्या होगा, ये जिस ऑब्जेक्ट को हम उठाएंगे वही आएगा, ये बाकी के ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं होंगे। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब एक ही ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ये और दूसरे ऑब्जेक्ट जो है ऊपर ही है ये। तो इसके हमने अनग्रुप कर दिए। तो ये इसके बाद अगला है हमारे पास रोटेट का। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ पे क्लिक किया, ये इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने 90 डिग्री रोटेट करना है, ये देखो 90 डिग्री, इसके बाद राइट 90 डिग्री, ये ऑब्जेक्ट हो गया ये। इसके बाद यही रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री हो गया ये। ये देखो तीसरा ऑप्शन फ्लिप वर्टिकल, ये देखो वर्टिकल हो गया ये। अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। या मोर रोटेशन ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है ये, तो हमारे पास ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से भी इसको रोटेशन, जैसे हमने कितना कम करना है, ज़्यादा करना है, ये देखो कितने डिग्री हमने इसको रोटेट करना है, इस सेटिंग में हम यहाँ पे भर सकते हैं जितना भी चाहिए। जैसे ये देखो हमने बढ़ाई ये और इसको ओके किया, ये देखो उतना ही ये रोटेट हो गया। तो इस प्रकार हम इसको अपने हिसाब से रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पोजीशन कमांड, रैप टेक्स्ट कमांड, ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड, सेंड बैकवर्ड कमांड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट कमांड के बारे में जाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक